दोस्तों मैं आज आपको लेसन सिखाने जा रहा हूँ कि हारमोनिका पे सॉन्ग्स कैसे प्रिपेयर किए जा सकते हैं। और बहुत आसान तरीका है, बहुत इजी तरीका है। पूरा वीडियो पूरा देखिएगा और कहीं पे भी स्किप मत करिएगा। बहुत बहुत छोटे छोटे पॉइंट है और वो आपके लिए बहुत इम्पोर्टेंट है। तो सबसे पहले हम लोग चालू करेंगे, शुरू करेंगे। तो सबसे पहले हम लोग शुरू करेंगे इजी सॉन्ग से, जिसकी वजह से आपको पता भी चलेगा कि मैं क्या बता रहा हूँ और क्या सिखा रहा हूँ। एग्जाम्पल लेते हैं, ये दोस्ती नहीं यार। तो दोस्तों हम एक एग्जाम्पल लेते हैं, शोले फिल्म का सबसे पॉपुलर ट्यून, सब लोगों को पता है कौन सा है वो, और उसका फैन बेस बहुत बहुत ज़्यादा है उसका। तो हम उसको एग्जाम्पल के तौर पे लेंगे कि उसको कैसे प्रिपेयर किया जा सकता है। तो आप उससे सीखेंगे कि बाकी के सॉन्ग्स भी कैसे प्रिपेयर किए जा सकते हैं। तो शुरुआत करते हैं हम लोग। अब जो मैं बता रहा हूँ वो बहुत ध्यान से सुनेगा, बहुत बहुत इम्पोर्टेंट है ये। और सबसे इजी पार्ट है, तो हारमोनिका पे कौन सा भी सॉन्ग हम लोगों को प्रिपेयर करते वक्त दो चीज़ें बहुत इम्पोर्टेंट रहती है, वो पता होना चाहिए। एक कि उसमें कौन कौन से ट्यून हैं और दो कितने ट्यून हैं। तो हम सबसे पहले लेंगे कि उसमें कितने ट्यून हैं, ये सबसे इम्पोर्टेंट होता है। तो ये पता करना बहुत इजी है। और इजी कब होता है वो, हम लोग क्या करते हैं, पहले कौन सा भी सॉन्ग सुनते हैं और सुनने के बाद हम उसे, कोई भी इंसान हो वो गुनगुनाता है उसको, और गुनगुनाते वक्त हमको ये पता चलता है कि उसमें कितने ट्यून हैं। तो आपको एक एग्जांपल बताता हूँ। पहले एक पेज लीजिए, पेज पे अपन लिखेंगे कि कितने नोट हैं और ये गुनगुनाते वक्त करेंगे। तो सबसे पहले क्या करेंगे, उसको गुनगुनाएंगे। तो गुनगुना कैसा, गुनगुनाना कैसा होता है, कोई सीटी पे गुनगुनाता है, कोई हम करके गुनगुनाता है। तो अपन हम करके उसको गुनगुनाएंगे। तो गुनगुनाते वक्त कितने नोट आते हैं वो लिखेंगे अपन। तो शुरू करते हैं। ए काय करेल, मला हसू येईल ना संख्या। तो हम लोग यहाँ पे व्हाइट बोर्ड पे लिखेंगे, मैं लिख रहा हूँ, आप लोग इस पे लिखिएगा व्हाइट पेपर पे वगैरह। तो हम लोग व्हाइट पेपर पे क्या लिखेंगे कि गुनगुनाते वक्त कितने नोट्स बन रहे हैं। तो गुनगुनाते वक्त कितने नोट्स बन रहे हैं ऐसे लिखना है। इसके बाद ये लिखना है, डॉट 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 लिखेंगे, जिसके बाद जो सुर रहता है वो ज़्यादा लंबा खींचता है, तो उसको मेंशन अपन ऐसे करेंगे थोड़ा सा डॉट डॉट करके। तो इससे बाद में पता चलेगा कि हाँ थोड़ा सा इसको और ज़्यादा बजाने का है। अब इसके बाद वाला फिर अभी हम ये कर रहे हैं कि कितने नोट्स हैं वो। इसके बाद हम ये पता करेंगे कि वो नोट्स कौन-कौन से हैं, मतलब इनके नंबर्स क्या है। ओके, अभी इतना ही करेंगे अपन। तो इसके बाद आता है, हम्म,
तो ये हो गए, हमको पता चल गया अब कि कितने नोट्स हैं इसमें। ओके, ये पार्ट बहुत इजी था और इस वजह से हमको ये पता चल गया कि सॉन्ग्स में, मतलब उस सॉन्ग में, उस ट्यून में कितने नोट्स हैं कुल मिला के। तो अब हम क्या करेंगे, जो नोट्स हैं उनमें कौन कौन से नोट, मतलब कौन कौन से नोट का नंबर क्या है हारमोनिका में। अब ये तो बहुत फनी पार्ट लगता है मुझे, और बहुत ऐसे ही गुनगुनाते वक्त करना होता है ये। हारमोनिका भी लगती है इसमें, पर बाद में लगती है। तो जो हमने लिखा था पेज पे, अब वो लेंगे अपन, और वहाँ पे गुनगुनाते वक्त कौन सा उसका सुर ऊपर जा रहा है उसको कुछ इस पैटर्न से लिखेंगे। अब मैं आपको दिखाता हूँ। इसका कैसा होता है? अब ये देखो, मुझे ये पता चल रहा है कि जो पहला है वो लो है, वो दूसरा है टू टू, वो उसके ऊपर है, मतलब हाई है उससे, और जो तीसरा है वो पहले के एकदम सिमिलर है, टू 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 टू। तो यहाँ पे देखेंगे टू टू टू, इसकी ही पोजीशन पे है, इसकी टू टू टू। तो ये लिखने के बाद जो इसका पहला है तो उसको हम लोग हारमोनिका पे ढूंढेंगे, इसका नोट जो हम गुनगुना रहे हैं वो इस पे किस ट्यून पे बजता है, मतलब किस नंबर पे बजता है वो देखेंगे। तो क्या आता है वो, टू 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 टू। तो पहला कौन सा है, टू। तो इसे देखेंगे हम हर एक बजा के कहाँ पे मिल रहा है, और इसके बाद वाले ये सब है वो इसके आजू बाजू में ही होगी। ओके, तो ये कहाँ पे बज रहा है, चार पे बज रहा है, फोर पे, फोर मतलब प्लस फोर पे। तो यहाँ हम लिखेंगे प्लस फोर, प्लस फोर। अभी ये प्लस फोर है तो इसके आगे वाला हमने लिखा था उसके ऊपर, मतलब ये उससे हाई है। तो अब अगले वाला जो बजाना है अपन को वो प्लस फोर के ऊपर वाली ट्यून बजा के देखनी है हारमोनिका पे। और एक चीज़ बहुत ध्यान से सुनना है कि हारमोनिका पे जो प्लस रहेगा, जो प्लस वाला ट्यून रहेगा, उसके आगे वाला, उसका हाई वाला कभी भी माइनस रहेगा। मतलब जो प्लस फोर है उसके ऊपर वाला ट्यून रहेगा, मतलब हाई वाला ट्यून रहेगा, वो माइनस ही रहेगा। हारमोनिका पे प्लस लो होता है और माइनस हाई होता है, ये कभी भी ध्यान रखना। तो प्लस फोर बजा के देखा, अपन को ये मिल गया। अभी ये अपन ढूंढ गए टू 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 टू, तो इसमें का ये भी ढूंढ गए टू टू ये वाला। तो इसका थोड़ा सा ऊपर वाला बजा के देखेंगे आप, मतलब माइनस फोर, माइनस फोर पे एक नहीं वो देखेंगे हम भी। टू टू टू, तो यहाँ पे मिल गया उनको माइनस फोर। अभी माइनस फोर के बाद ये ढूंढना है अपन को, ये भी उससे ऊपर वाला, ये नीचे वाला, ये इससे ऊपर वाला, और अभी इसके ऊपर वाला ढूंढना। तो एक नोट अपन ऊपर वाली बजा के देखेंगे कि यहाँ पे मिल रहा है कि नहीं।
ये मिल गया अपन को प्लस फाइव, ये मिल गया प्लस फाइव। अब ये ढूंढना है अपन को, टू 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 टू। अब ये टू किधर मिलता है, वो हार्मोनिक का भी ढूंढना है अपन को। तो प्लस फाइव के कभी भी ऊपर वाला ही ढूंढना है अपन को, क्योंकि ये ऊपर गए वाला अपन ने इधर मेंशन किए वाला है पहले से ही। ये -5 पे नहीं मिल रहा है, ये -5 पे ठीक से नहीं बज रहा है, तो उसके और एक ऊपर वाली टोन बजा के देखेंगे। ये मिल रहा है -6 पे, -6 यहाँ पे लिख दिया अपने। तो हमको पहले फ्रेज का ये मिल गया, क्या मिल गया, नंबर्स मिल गए, टैब्स मिल गए इसके, टू 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 टू। अब ये ढूंढना है अपन को, टू टू टू। तो ये कहाँ पे मिल रहा है अपन को, प्लस फाइव पे। अपन को मिल रहा है ये प्लस फाइव पे, ये मिल गया हमको प्लस फाइव पे। अब इसके ऊपर वाला अपन को ढूंढना है इसमें। तो ये कहाँ पे मिल रहा है हमको, -6 पे, टू टू। और हमको ये पहले से पता है कि ये और ये एक जैसा है, अपन ने पहले मेंशन किया हुआ था, तो ये +5 ही रहेगा। तो यहाँ पे +5 लिखेंगे, तो ये मिल गया अपन को पहले वाला। अब दूसरा ढूंढते हैं, दूसरे में ये वाला सेम है वहां पे। तो ये हटा देंगे और यहाँ पे लिखना चालू करेंगे, टू 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 टू। इससे भी लो है, तो इसके आगे कौन सा लिखे, टू 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 टू। तो ये तो रहेगा अपना +5 ही, पहले ही ढूंढा था ये -6, और ये +5 के नीचे है, तो यहाँ पे ढूंढ गया अपन। ये मिल रहा है अपन को, -4। तो यहाँ पे लिखेंगे -4। +5 के नीचे अपन को पहले ही पता था कि +5 के नीचे वाली नोट है, तो इसकी वजह से इजी हो जाता है कि ढूंढना, कि +5 के नीचे अपन को पहले से ही पता था वो, तो सिर्फ बजा के देखा +5 के नीचे वो कहाँ पे सूट हो रहा है, कहाँ पे मैच हो रहा है। तो मैच हो रहा है -4 पे, तो -4 लिख दिया। तो हमको दूसरा फेज में मिल गया कि ये कौन सा है,
आगे बढ़ते हैं। तीसरा फेज लेंगे। कहाँ पे मिल रहा है? -5 पे, तो यहाँ पे लिखेंगे -5। अब ये +5 पे मिल रहा है, ये -4 पे मिल रहा है। तो मैं जो गुनगुना रहा हूँ वो मुझे हारमोनिका पे कहाँ पे मिल रहा है वो मैं लिख रहा हूँ यहाँ पे। ये +4 पे मिल रहा है, ये -4 पे ही मिल रहा है इसका सिमिलर। और ये इसके नीचे, ये -3 पे मिल रहा है। तो ये भी पता चल गया कि ये कौन सा है। तो सिमिलरली ऐसे ही करके आप पूरा का पूरा गाना अपने आप से बना सकते हैं। सिर्फ जो आप खुद से गुनगुना रहे हैं तो वो आपको लिखना है, और वो जो गुनगुना रहे हैं उसके टोन्स ट्यून्स आपको हारमोनिका पे ढूंढने हैं। ये बहुत इजी तरीका है, बहुत। आपको ना सारेगामा के तरीके से जाना है, वो बहुत डिफिकल्ट रहता है आजकल। तो उससे भी आसान ये है कि कोई भी सॉन्ग पसंद कर लो, उसको गुनगुनाओ। गुनगुनाने के बाद उसके नोट्स, उसमें नोट्स कितने वो लिख के लो, और वो जो नोट्स आपने लिखे हैं वो जो गुनगुनाते समय उसका जो नोट निकल रहा है उस नोट को सिर्फ हारमोनिका पे ढूंढो कि वो नोट जो आप गुनगुना रहे हैं वो आपको हारमोनिका पे कहाँ मिल रहे हैं। और जो मिल गया नोट उसको सिर्फ लिखना है और लिख के उस पे प्रैक्टिस करनी है। ये बहुत आसान तरीका है। आई होप आपको ये सब समझ आया होगा, बहुत इजी तरीका था। और इससे ही मैं सब सॉन्ग्स खुद से जाके लिखता हूँ हारमोनिका के, और उस पे वीडियो बनाता हूँ। और मैं कोई भी दूसरा यूट्यूब का वीडियो नहीं देखता कि इसका क्या है, खुद का ही रहता है मेरा से और सब। तो होप आपको ये सब समझ आया होगा। प्रैक्टिस करें, प्रैक्टिस के सिवा कुछ नहीं होगा। ओके, तो मिलते हैं अगली वीडियो पे। लाइक करना, सब्सक्राइब बहुत ज़रूरी है वो करना। आपको मेरी वीडियो मिलेगी, और मुझे कमेंट बॉक्स में बताना कि अगला वीडियो आपको किस टॉपिक पे चाहिए, तो मैं उस पे प्रिपेरेशन करके आपको
वो वीडियो बना के दूंगा। और कमेंट सेशन में आप कुछ भी कमेंट करें, आपको वो जरूर मिलेगा, जरूर। और आपको एक मेंशन कर रहा हूँ नीचे, एक इंस्टाग्राम का एक पेज है, वहाँ पे होम रेमेडीज बताई जाती है। उसका भी मतलब रिस्पांस बहुत तेज है, बहुत। मतलब आप उस पे कुछ भी पूछोगे तो जल्दी से जल्दी आपको रिस्पांस मिलेगा। वो बहुत बहुत वो बहुत यार क्या है, वो बात बहुत मुझे पसंद आती है उस पेज की, कि आप उस पे कुछ भी डालते हो मतलब कमेंट में, तो आपको रिस्पांस उसका 1 घंटे के अंदर आ जाता है। उसका सॉल्यूशन भी आपको मिलता है जो आपका क्यूरी है। तो आपको मेंशन करूँगा उस पेज को जाके। सब्सक्राइब नहीं करते वहाँ पे करते हो, फॉलो करते हो उसको। तो वहाँ पे जाके आप फॉलो करो, वहाँ पे जाके क्या करते हो, फॉलो करते। तो वहाँ पे जाके फॉलो करो। और मेरा बहुत जंबलिंग होता है ये बताने में, सिखाने में। मेरा मेरा पहली बार है ये, तो मेरे को बहुत मुश्किल जाता है ये सब। तो होप आपको सब समझ आया होगा। हंस रहे होगे आप शायद, पर जो ही वो भी। तो अगली वीडियो में मिलते हैं।